अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का लतीफ़ा। दफ्तर की मसरूफियतों और उलझनों से घबराकर दिन गुजारने के बाद जब एक साहब घर पहुँचे तो उनकी बेगम ने उनको ये खुशखबरी सुनाई कि खाने पकाने वाली मुलाजिमा नौकरी छोड़कर चली गई है। साहब ने पूछा, वो क्यों? उसे अचानक ये क्या सूझी? बीवी ने कहा, वो कह रही थी कि आज आपने फ़ोन पर उसकी बहुत बेइज्जती की। साहब ने जल्दी से कहा, ओह मेरे खुदा, ऐसी गलती कैसे हो गई? मैं तो समझा था फ़ोन पर तुम हो। एक लड़के ने अपनी फ़लसफ़ी महबूबा से पूछा, बताओ मिलने में ज़्यादा लुत्फ़ है या इंतज़ार में? महबूबा ने जवाब दिया, इंतज़ार में। लड़के ने कहा, अच्छा तो तुम सारी ज़िंदगी ये लुत्फ़ उठाती रहो, क्योंकि मैं किसी और लड़की से शादी कर रहा हूँ। एक शख्स का नाम ज़ख्मी था। वो किसी काम से एक दोस्त के घर गया। उसने दरवाज़े पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? उस शख्स ने जवाब दिया, जी मैं ज़ख्मी हूँ। अंदर से आवाज़ आई, अस्पताल आगे है। पाकिस्तान के एक बुक स्टॉल पर एक किताब का उन्वान देखकर अमेरिकी डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। किताब का उन्वान था, 30 दिन में डॉक्टर बनिए। बच्चा अपनी माँ से पिटने के बाद अपने पापा से बोला, पापा आपने काला जादू सीखा हुआ है क्या? पापा बोले, नहीं तो। बच्चा बोला, तो फिर इतनी जालिम बला कैसे पकड़ी? लड़का लड़की से, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। लड़की बोली, छोड़ो ना। लड़का बोला, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। लड़की ने कहा, छोड़ो ना। लड़का बोला, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। लड़की बोली, अब छोड़ो भी। लड़का कहने लगा, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से, मुझे अपने पड़ोसी बहुत पसंद थे लेकिन अब नहीं। दूसरा दोस्त बोला, वो क्यों? पहले दोस्त ने कहा, क्योंकि अब उन्होंने अपने वाईफाई पर पासवर्ड लगा दिया है। मुझसे वो कहती है कि तुम्हारी जन्नत बना दूंगी, और बनाना उसको दाल चावल भी नहीं आते। कॉन्फिडेंस तो देखो उसका। बाबा जी फरमाते थे, जब कोई लड़की घर से भागने की धमकी दे तो उसको गंजा कर दें, 5 महीने तक भागने का नाम नहीं लेगी, और उसका बॉयफ्रेंड अगर देख लेगा तो खुद भाग जाएगा। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है, और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। शौहर बीवी को अंग्रेज़ी सिखा रहा था। बीवी दोपहर में शौहर से बोली, डिनर ले लो जी। शौहर बोला, जाहिल, ये डिनर नहीं लंच है। बीवी बोली, जाहिल हो गए तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है। दो दोस्त जंगल में घूम रहे थे कि अचानक शेर निकल आया। एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया, दूसरा सांस रोककर दरख्त के नीचे लेट गया। शेर करीब आया और बोला, ना पुत्र ना, यहाँ पर जुबेदा आपा के टोटके नहीं चलते। एक मीरासी का बच्चा स्कूल में पहले दिन गया तो उस्तानी साहिबा ने कहा कि चलो तुम ABCD सुनाओ। मीरासी का बच्चा बोला, मैम मैं ABCD तो सुनाऊंगा, लेकिन आप साथ साथ हल्की हल्की ढोलकी बजाएं। औरत बाबा जी से बोली, जब भी मेरा शौहर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा जी बोले, वो जो ही घर आए तुम ये तावीज़ दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत बाबा के पास आई और बोली, बाबा जी तावीज़ दांत के नीचे दबाने का इतना फ़ायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा बोले, यह फ़ायदा तावीज़ से नहीं ज़ुबान बंद रखने से हुआ है। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था कि सामने शेर आ गया। शेर ने कहा, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आदमी बोला, मेरा खून तो ठंडा है, पीछे एक नौजवान आ रहा है उसका खून गर्म है, तुम उसका खून पीना। शेर बोला, नहीं
आज मेरा दिल कोल्ड ड्रिंक पीने को चाह रहा है। महबूबा से मिलने का बड़ा शौक था, एक दिन ख़त लिख दिया उसको, भोली भाली समझ ना सकी मेरे प्यार को, दे दिया ख़त अपने भाई मुख्तियार को। मैंने दरिया की बहुत बड़ी मौज देखी, जब अपने पीछे मुख्तियार की फ़ौज देखी। लोगों ने कहा किस पे अजाब आया है, दिल ने कहा बस पुत्र तेरे ख़त का जवाब आया है। पप्पू, मेरा एक दोस्त कहता था जान भी मांगोगे तो हाजिर है, आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहता है और मैं मांगू तो मतलबी झूठा मुझे गालियां देता है। अमजद हैदर से, तुम अपने मकान में क्यों नहीं जा रहे, दिन रात मारे मारे फिरते रहते हो इधर से उधर। हैदर बोला भाई क्या बताऊं, मेरे मकान का किराया बहुत ज़्यादा है। एक नाबीना आदमी कहीं जा रहा था कि सामने से गुजरने वाली भैंस से टकरा गया। नाबीना घबरा कर बोला माफ़ कीजिएगा मोहतरमा। जवाब में भैंस ने आवाज़ निकाली, नाबीना शर्मिंदा होकर आगे चल दिया। अभी थोड़ी दूर गया था कि एक मोटी औरत से टकरा गया तो झुंझला कर बोला नालायक लोग अपनी भैंसें खुली छोड़ देते हैं। दुकान का मालिक अपने नए मुलाजिम से बोला तुम्हें हमारे मुंशी जी ने काम समझा दिया है ना। नया मुलाजिम बोला जी हाँ, उन्होंने मुझे समझा दिया है कि जब मैं आपको दुकान की तरफ आता देखूं तो उनको फौरन जगा दूं। एक शख्स ने अपने कंजूस पड़ोसी से पूछा अरे ओ क्या हो गया है, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो। कंजूस ने जवाब दिया मेरे छोटे बेटे ने आज नया जूता पहना है, मैंने उससे कहा था कि एक की बजाय दो सीढ़ियां तय करके ऊपर जाना ताकि जूते का तला कम घिसे, लेकिन वो कमबख्त दो की बजाय तीन सीढ़ियां चढ़ने लगा, नतीजा यह हुआ कि उसकी पतलून फट गई है। एक साहब ने नर्सरी में जाकर गमले में लगा हुआ जूही का पौधा तलब किया। नर्सरी का मालिक बोला जूही का पौधा तो नहीं है, क्या बेले के पौधे दे दूँ। उन साहब ने जवाब दिया नहीं, बेले के पौधे से काम नहीं चलेगा, मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि जब तक वह मायके में रहेगी मैं उसके जूही के पौधे को पानी देता रहूँगा और मैं इतने दिन घर में रहा ही नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।